रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद उलमा इकराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़मजदी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, कुछ जरा ताखीर से हमें ज्वाइन कर लिया मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब ने भी, जज़ाकअल्लाह। मैं नाजरीन इकराम, आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट है, आप कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, इंशाल्लाह नोट हो रहे हैं आपके सवालात और इंशाल्लाह उलमा इकराम आपके सवालात के जवाब भी देंगे। हजरत से भी एक सवाल करना है कुरान से मुतालिक, लेकिन पहले आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है, जब हम छोटे थे तो हम पूछते थे अपने वालदैन से कि मैं हम अल्लाह ताला कहाँ है, ठीक है, तो वो फरमाते थे अल्लाह ताला ऊपर है। सही। तो दूसरी बात ये है कि जब हम कहते हैं कि बच्चों को अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए और ऊपर भी नहीं करना चाहिए, और किस तरह करना चाहिए? ठीक है, दूसरा सवाल मेरा है। सही, और क्या सवाल था? दूसरा सवाल मेरा ये मुफ्ती साहब, जब हम ना हर एक को ना खैरात दे देते हैं, जब बाहर कोई भी आए ना, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, हम सबको खैरात दे देते थे, उसके बाद मैंने ये सुना है कि उलमा इकराम से कि लोग कहते हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं जो नौजवान को एक दरहम दे ना तो वो 70 दरहम उसका कफारा अदा करे, इसके बारे में पूछना। ठीक है, अच्छा चले, वो हो सकता है कभी कभी समझने में गलतियाँ करते हैं लोग, लेकिन उलमा इकराम से रुजू कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चले एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्या सवाल? सही है या नहीं? जी क्या कह रहे? शाम नु दुकान पे झाड़ मारना जायज है या नहीं? ते नबीना जड़ा होवे दूसरा नहीं समझ नहीं आ रहा राम बात तो समझ नहीं आ रही मारना जायज है? आपको समझ आ रही है तो आप बता दें। सही जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या सवाल आपका? जी मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई सजदा में जाते वक्त अपने कपड़ों को मट्टी से बचाने के लिए समेट ले तो नमाज का क्या हुक्म है? जी सजदे में जाते वक्त अपने कपड़ों को मट्टी से बचाने के लिए, जी ठीक है, जी समेट ले। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि नमाज के आखिर पर दुरूद पाक का एक हिस्सा पढ़ा और दूसरा हिस्सा पढ़ना भूल गए और फिर इस्लाम फेर दिया, तो नमाज का क्या हुक्म होगा? ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? टीवी बंद कर दें प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा ना तीन सवाल है। पहला सवाल ये कि हमारे इलाके में कोई जामे मस्जिद वगैरह नहीं है, तो उसमें जमात हो रही हो टीवी पर, ठीक है, के हिसाब से हमारे हजरात उस जमात में शामिल हो सकते हैं टीवी? लिख लिया है, दे देंगे। ये हमने लिख लिया आपका सवाल, जवाब दे देंगे। दूसरा सवाल ये कि हमारे अगर कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ तो सही है, ये तो हो गया। अभी आवाज सुने खातून, अभी आपने सवाल किए थे ना फोन पे, जी, तो दोबारा क्यों कर रही हैं आप? आपने कॉल काट दी थी इसलिए दोबारा कॉल काट दी, सवाल सुन के कॉल काट देंगे ना फिर आपकी। अच्छा ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आपका क्या सवाल? हाँ सर जी, सवाल हमारा ये है, नौ रमजान को एक डॉक्टर आया था सर आँखों वाला। सही, ठीक है, वो भी हमने सुन लिया, आपकी भी हमने कॉल सुन ली थी, इंशाल्लाह देख लेंगे, अगर कोई पॉसिबल है तो आप तक पहुँचा देंगे। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि कुरान पाक अगर हाथ में उठाकर कोई मदद मांगे तो उसकी क्या अहमियत है? मैं पिंडी गेट के पुलिस थाने में कुरान पाक उठाकर रोती रहती हूँ, कुर्सी पर सजे हुए। ठीक है, अच्छा चले एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी नहीं देखे, देखें फिर मसला होगा बात करने में, कॉल काटनी पड़ेगी। पहली शादी, चले रहने दें, नेक्स्ट कॉलर की तरफ आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जैसे टीवी देखना गुनाह है जी, तो जैसे आपको प्रोग्राम देखना भी गुनाह है? अच्छा बताएंगे इंशाल्लाह आपको। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी मुझे सवाल नहीं है, मुझे ना एक ख्वाब के बारे में पूछना है, मेरी अम्मी ने रात को ख्वाब जी, नहीं ख्वाबों का सेगमेंट नहीं है, हम फिकी सवालात का जवाब दे रहे हैं बहन, तो प्लीज होप यू डोंट माइंड। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। चलें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका?
जी मेरे आपसे तीन सवाल हैं। जी बोलिए। जी मेरा पहला सवाल ये है कि अंधेरे में नमाज पढ़ने से क्या नमाज पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, नमाज हो जाती है? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो वहम होने का वसवसा होता है, क्या है वसवसे क्यों आते हैं और ये सच होते हैं? वसवसे क्यों आते हैं और क्या ये सच होते हैं? जी जो वहम होने के वसवसे होते हैं, वहम वाले। ठीक है जी। और तीसरा सवाल भी है। हाँ ठीक है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो नाखूनों पे हम लोग मेहंदी लगाते हैं, इस पे हमारे वजू या नमाज पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, नमाज और वजू हो जाता है? ठीक है बताएंगे आपको। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं। सलाम वालेकुम। कहाँ मेहंदी लगाना? ये हाथ की मेहंदी की बात हो रही है, ये नाखून नाखून। चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं। सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? जी भाई हमने पूछना है कि ये बाल जो होते हैं, जो नाखून होते हैं लेडीज के, इनका क्या करना चाहिए? क्या? कोई कहते हैं बाल और नाखून जो तराशती हैं लेडीज, उसका क्या करना चाहिए? हाँ चले इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुरान के मौजू पे मैंने हजरत उलमा से बात की है, आपसे भी उस पर एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा क़िबला के कुरान का मौजू क्या है और इसका जो उसलूब हिदायत है वो मुझे कुरान और हदीस की ही रोशनी में समझाएं प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दुनिया में आम तौर पर तरीका कार है कि कोई भी किताब लिखी जाती है वो किसी ना किसी मौजू पर मुनसर होती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आलमगीर किताब है वो किसी मौजू के बगैर हो? सही। तो लेकिन बात यह है कि दुनिया की आम कुतुब जो है ना, या तो वो किसी फ़लसफे से मुतालिक हैं या रियाजी के साथ हैं या उसका मौजू साइंस होगा या जो भी उसके मौजू होंगे, उसी के मुतालिक उसके अंदर सवाल व जवाब भी किए जाएंगे और उसके माखुज़ के हवाले से भी गुफ्तगु होगी। लेकिन अब देखा जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि आप इसे इल्म माशियात पर मबनी किताब तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुरान हकीम के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि दौलत कैसे आएगी, दौलत कहाँ सर्फ की जाएगी, दौलत के मकासद क्या हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे अता फरमाता है। अच्छा इसी तरह इसके अंदर, इसे अगरचे आप साइंसी किताब नहीं कहेंगे लेकिन साइंस की टोटल तालीम इसके अंदर मौजूद है। अगरचे आप इसको रियाजी के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे लेकिन रियाजी के तमाम जवाबात इसके अंदर मौजूद हैं। तो गोया के फलसफा हो तो वो भी कुरान हकीम के अंदर मौजूद है, रियाजी है तो वो भी, साइंस है तो वो भी, जोग्राफिया है तो वो भी कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि ये किताब सिर्फ इन मौजूआत पर मबनी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आम फलसफे और दूसरे उलूम पर मबनी किताबें हैं ना, ये किताबें अपने मौजू में इस अंदाज में लिखी हुई हैं कि वो महाज़र जो उलूम है उस पर हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद इस तरह इन पर आला है कि उन कुतुब की जो जो तालीमात हैं अगर वो कुरान हकीम के साथ मैच करती हैं, इसके ताबे हैं, तो वो तालीमात ठीक हैं, और अगर वो कुरान हकीम के साथ मैच नहीं करती, अगरचे वो फ़लसफ़ा हो, साइंस हो, रियाजी जो कुछ भी हो, हम यही कहेंगे कि वो उलूम ठीक नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बतौर तराजू एक ऐसा इल्म वज़ा किया इसके अंदर कि उन उलूम को इसकी वजह से दुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जब चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद आलमगीर किताब थी और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने इंसान की हिदायत के लिए गुफ्तगू की है, तो दुनियावी तमाम उलूम को हासिल करते करते अल्लाह तबारक व ताला ने उसलूब हिदायत रखा है ना, उसमें सबसे बुनियादी तरीका जो है वो अकायद पर मबनी है, क्योंकि इंसान की तखलीक किसने की, इंसान का खालिक और मालिक कौन है, इंसान को रिज़्क़ कौन अता फरमाता है, फरिश्तों के बारे में अकीदा, दोज़ख़ के बारे में अकीदा, जन्नत के बारे में अकीदा, फिर इंसान मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कैसे अजर लेगा, इन तमाम अकायद पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में बिलखसूस बिलखसूस जिक्र हुआ, और ख़ासकर जो मक्की सूरतें थीं उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू ने इन पर ज़्यादा जोर दिया। कुफार मक्का के साथ टकराव था और उस वक्त इन उलूम पर ज़्यादा गुफ्तगू की गई। उसके बाद चूँकि जब मुसलमान मदीने में तशरीफ़ लेकर आ गए और यहाँ पर इस्लामी रियासत कायम हो गई, अब ज़रूरत थी कि इस्लामी रियासत को चलाने वाले कवानीन के बारे में आगाही हासिल हो और मुसलमानों को ये बताया जाए, तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उसके साथ साथ आमाल की बात की। आमाल के अंदर मुसलमानों को बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसूद जो है ना वो क्या है। इंसान वगरना यही तसव्वुर करता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था कि मुझे दुनिया में पैदा किया गया, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं मकान अच्छा तामीर करूंगा, मैं अच्छे मकाम पे शादी हो जाएगी, अच्छी गाड़ी बंगला, ये सारे मेरी ज़िंदगी के मकासद मुकम्मल हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बताया कि इंसान असल में तुम्हारी तख्लीक का असल बुनियादी मकसद अल्लाह की इबादत करना था, तो सबसे पहले अपने अकायद को दुरुस्त किया जाए, अकायद को दुरुस्त करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू की इबादत के अंदर मशगूल हुआ जाए। इसके बाद तीसरा उसलूब जो अहमियत का हामिल है कुरान पाक के अंदर वो अखलाकियात पर मबनी है,
कि इंसान मिन हैसुल इंसान, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसकी माशरत कैसी होनी चाहिए, उसके मामलात कैसे होने चाहिए, उसकी इबादत कैसी होनी चाहिए। अब यही इंसान, चूँकि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसान के लिए उसवा हसना है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस सीरत के साथ कुरान पाक की जो तशरीफ़ फरमाई, आप अकाली सलातम को देखें बतौर इमाम मस्जिद, अकाली सलातम के जो जो मामला थे बतौर शोहर, बतौर सिपासलार, बतौर लीडर, बतौर गाइड, बतौर ताजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के साथ हर मैदान अमल में ज़िंदगी गुजार के उनको ये बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो अखलाकियात का दर्स दिया है कुरान हकीम के अंदर, उस पर अमल करना दुनिया में बहुत आसान है। उसके बाद फिर इंसान की इस दुनिया की ज़िंदगी है, फिर ज़िंदगी के बाद के जो मराहिल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो इंसान पेश होगा, इसमें बुनियादी तौर पर जोर दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर जन्नत और दोज़ख के बारे में फैसला, नेकियों का हिसाब किताब, ये सारा इंसान का अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर अकायद की वजह से मुंसलिक था। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर कुरान हकीम में इस उसलूब हिदायत को इस अंदाज में बयान फरमाया। क्या बात, माशाल्लाह, बहुत खूब। मैं मुफ्ती साहब चाहता हूँ जवाब की तरफ अगर आया जाए। जी जी, बिस्मिल्लाह। कल कुछ सवाल रह गए थे तो शामिल कर, जवाब हम शामिल कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि एक साहब ने कहा कि इनकी मस्जिद में 8 रकात नमाज तरावी होती, हरम में तो 20 होती है, बाकी जगहों पर 20 होती हैं। तो देखिए मुख्तलिफ रिवायात मौजूद है, जो 8 रकत की रिवायत है ना, वो 8 रकत की नहीं है, वो 11 रकत की रिवायत है, और वो उसका ताल्लुक रमज़ान से नहीं है, रमज़ान गैर रमज़ान इसके यानी रमज़ान के अलावा से भी है। तो वो क्या था कि 8 रकतें तहज्जुद की थी और 3 रकतें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो नमा यानी जो वितर है नमाज वितर वो अदा फरमाया करते थे। और रही ये बात कि तरावी, तरावी आका अलैहिस्सलाम ने कभी अदा फरमाई कभी छोड़ी ताकि उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। हाँ, इसके बाद जो है वो यूँ समझ लें कि सहाबा किराम ने भी 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसको जमात के साथ जो है वो राइश फरमाया, तो इसीलिए 20 रकत सहाबा किराम ने राइश की है, तो ज़ाहिर है कि उनकी सुन्नत भी हम पर लाजिम है। अलैकुम सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीना, तो उनकी सुन्नत भी हम पर है और जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मौकदा अलल किफाया है कि इसका हुक्म यह है। लेकिन बहरहाल नमाज तरावी 20 रकत सुन्नत मौकदा है, 20 से कम ना पढ़ें, 20 ही पढ़ें, ज़्यादा सवाब इंशाल्लाह मिलेगा आपको। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि खाना काबा की तरफ मुंह करके वजू करना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वजू किया जा सकता है। हाँ, ये कि वॉशरूम जब जाएं तो आपका फ्रंट और बैक जो है वो खाना काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। इसके बाद जो है रमज़ान में कहा कि हम फ्रेश हो जाते हैं, तकवा परहेजगारी, तो रमज़ान के बाद क्या करें? बस इतनी बात अपने जहन में बिठा लें कि रमज़ान में जब आप हलाल चीज़ों को अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक छोड़ सकते हैं या छोड़ सकती हैं, तो फिर रमज़ान के अलावा हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते? तो ये हमें हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ये ज़रा सा सोचते ये एहसास पैदा कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद कुरान का जो ख़त्म सूरह यासीन का होता है और इसके अलावा भी किसी और सूरत का ख़त्म होता है, देखें कुरान को मुकम्मल पढ़ना ख़त्म कहलाता है। इसके अलावा किसी सूरत को आप पढ़ें, सूरह मुल्क को पढ़ें, सूरह यासीन है और कोई भी सूरत है तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं कहलाता। कुरान का मुकम्मल पढ़ना ये ख़त्म कहलाता है। और इसका पूछा कि जुम्मे को ख़त्म दिलाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, दिलाएँगे यानी कुरान शरीफ पढ़ेंगे, अच्छी बात है, ना पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। एतिकाफ़ में कपड़े बदलना, कंघी करना ज़रूरतन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मन्नत का खाना खुद खा सकते हैं, मन्नत चूँकि वाजिबा होती है ना, अपने पर वाजिब करता है, तो ये खाना गरीब को खिला सकते हैं, खुद नहीं खा सकते। और एक सवाल ये हुआ कि रेडी पर घाक छोड़कर चले जाते हैं तो वो हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? देखिए रेडी पर जो सब्ज़ी वगैरह छोड़ जाते हैं तो वो जब भी आएंगे तो ज़ाहिर है कि आप खुद रेडी चला रहे हैं आपके भाई, तो जब भी वो लेने के लिए आएगा आप देने के पाबंद होंगे, बाकी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, बताकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको माफ़ करवा दें, या फिर जब भी वो आएंगे देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन इकराम, यहीं पर एक ब्रेक, ब्रेक में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल के मजीद सवालात हम नोट करेंगे, आप हमें कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, इंशाल्लाह मुफ्तियाने किराम आपके सवालात के देंगे जवाबात इस ब्रेक में भी और इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम में एक मरतबा फिर आपका लाइव टेलीफोन कॉल से काफी जमा हुए सवालात, मैं चाहता हूं मुफ्तियाने किराम दे जवाबात। जी हजरत, जी मुफ्ती साहब, एक जो है वो
एक बहन ने पूछा कि हमारी सारी जिंदगी रमजान जैसी हो ताकि हमारी मौत ईद जैसी हो, तो हम अपना जहन कैसे बनाएं। जैसी बात आपने की है माशाल्लाह से तो ये लग रहा है कि आपका जहन बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तेकामत दे और अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इसका माना और मफहूम समझ के पढ़ना चाहिए कि नेकी करने की ताकत नहीं और गुनाह से बचने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह बुजुर्गों बरतर की तरफ से। जब बंदा इसका माना और मफहूम समझ से इसको बार बार पढ़ता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद होती है और वैसे भी इसको अर्श इलाही के नीचे का खजाना करार दिया गया लाहौल शरीफ को, तो इंशाल्लाह बरकत होगी। और वैसे ही बंदा अपना मुहासबा भी वक्तन फवक्तन करता रहे तो मुहासबा नफ्स जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद एहतसाबी बिलखसूस रात के वक्त सोने से पहले करना, ये भी मुमद और मुआविन होता है अपनी ज़िंदगी को सुधारने में, संवारने में, नेक अमाल करने में। फिर जब एक बहन ने पूछा कि हुकूमत आवाम को फ्री चीज़ें देती है, बाद औकात मार्केट में वो चीज़ें फरोख्त हो रही होती हैं, तो क्या हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं। वैसे हम इसको प्रोमोट नहीं करते, मना करते हैं, क्योंकि बाद औकात ऐसा होता है कि वो सदका खैरात की चीज़ें होती हैं तो मुस्तहकीन के लिए होती हैं बाकी। लेकिन यहाँ तक फिकी बात है, वो बात यह है कि अगर किसी को कोई चीज़ मुस्तहिक को दे दी गई है, वो उसकी मिल्क है, वो उसकी ज़रूरत से अगर वो जायद है और वो ख़ुद किसी को बेच देता है तो ठीक है, वो उसकी अपनी मिल्क थी उसने बेची है, अब दूसरा कोई वो ख़रीदता है तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन चूंकि इसके अंदर फिर गबन होता है, लोग जान बूझ के चीज़ें जो है गैर मुस्तहिक जो है वो चीज़ें ले लेते हैं, गवर्नमेंट से लेने के बाद फिर वो आगे बेचते हैं, उस पर मुनाफा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, तो इस बेहरा रवि की वजह से हम इसको प्रमोट नहीं करते, कंडेम करते हैं, मना करते हैं। फिर जब एक बहन ने पूछा कि मेंसेज हो जाए तो उसके कितने दिनों के बाद औरत पाकी का गुस्ल कर सकती है। वैसे तो ये जो बच्चियां होती हैं उनको घरों में ही जो है वो माएँ सिखा देती हैं और उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम होता है, इतनी बड़ी उम्र के बाद जाके ही मालूम ना हो और इस तरह का सवाल हो तो वैसे ताज्जुब की बात है। बहरहाल जो है वो हर किसी की अपनी आदत होती है, ज़्यादा से कम 3 दिन है, ज़्यादा से 10 दिन है, बाकी हर किसी की अपनी आदत का एतबार है, किसी के 6 दिन, किसी के 7 दिन, किसी के 5 दिन, जिसकी जो आदत है उस आदत के मुताबिक जब जो है वो ब्लीडिंग रुक जाएगी तो वो गुस्ल कर ले, पाक हो जाएंगी। फिर जो है वो एक बहन ने पूछा कि मेरी अम्मी के घुटनों में दर्द होता है, नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती, क्या वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं। अगर आपकी वालिदा सजदा करने पर कादिर नहीं है तो जब सजदा करने पर कोई बंदा कादिर ना हो तो कयाम भी साकित हो जाता है, ऐसी सूरत में अब वो बैठकर नमाज पढ़ने का उन्हें हुक्म नहीं, अब वो इशारे से नमाज पढ़ सकती हैं तो कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठना ये मुम्मी के हुक्म में है, इशारे से नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में है, बाकी कोई अगर बैठकर नमाज पढ़ सकता हो तो उसे कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बैठने में ऐसा होता है बाद औकात बंदा ज़मीन पर नहीं बैठ पाता लेकिन तख्त पोश वगैरह जो है उस पर बैठ जाता है, अगर तख्त पोश वगैरह पर बैठ के पढ़ सकते हैं तो फिर भी तख्त पोश पर बैठ के पढ़ें, कुर्सी पर बैठ के ना पढ़ें। कुर्सी पर बैठ के उसी वक्त पढ़ें कि जब आपके लिए बैठ के नमाज पढ़ना भी मुमकिन ना हो, क्योंकि ये इशारे से नमाज पढ़ने को में। फिर जब एक मैंने पूछा कि नापाकी की हालत में क्या पढ़ सकते हैं, नापाकी की हालत में कुरान मजीद फुरकान मजीद को छू नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, नापाकी की हालत में इस्तेवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, नापाकी की हालत में तवाफ नहीं कर सकते, नापाकी की हालत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत नहीं कर सकते, बाकी दुरूशी पढ़ सकते हैं, इस्तिगफार पढ़ सकते हैं, और नापाकी की हालत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयात या वो सूरतें जिनमें दुआ का मफहूम हो या अल्लाह की ताज़ीम सना का मफहूम हो, वो सना की नियत से या दुआ की नियत से पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अगर चारों कुल पढ़ने हो तो फिर लफ्ज़ कुल हटा के पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज़ कुल के साथ पढ़ेंगे तो उनका कुरान होना मुतय्यन हो जाता है, उसकी इजाज़त नहीं होती नापाकी की हालत में। फिर जो एक बहन ने पूछा कि पेशानी में नमाज दुपट्टे से, पेशानी दुपट्टे से ढकी हुई है तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बारीक सा दुपट्टा है जो माने नहीं होता ज़मीन की सख्ती महसूस होने से तो इसमें हरज नहीं है, बाकी वैसे मुस्तहब यह है कि पेशानी ढकी हुई ना हो नमाज में, लेकिन अगर किसी ने ढाँक भी दी है और ज़मीन की सख्ती महसूस हो रही है तो इसमें सिर्फ कराहत तंजीह है, जबकि किसी उज़र के बगैर और उज़र की सबब हो तो फिर तो कराहत तंजिया भी नहीं है। एक बहन ने पूछा कि वितर की तीसरी रकत में रुकू में याद आया, कुनूत नहीं पढ़ी थी, वापस आकर कुनूत पढ़ ली है, अब दोबारा रुकू करना पड़ेगा या पहले वाला ही काफ़ी, अब दोबारा रुकू करना पड़ेगा क्योंकि आप वापस पलट गई थी, तरतीब अब तरतीब से चलना है, रुकू करना होगा। फिर पूछा कि ज़कात का साल पूरा होने से कुछ अर्सा पहले किसी को कर्ज दे दिया था, कर्ज भी शुमार करेंगे या नहीं करेंगे, जिस कर्ज के वापस मिलने की उम्मीद होती है उस कर्ज को ज़कात में काउंट किया जाता है, महसूब होता है, ये अलग बात है कि उसकी अदाई उस वक्त लाजिम होती है कि जब वो कर्ज वापस मिल जाए या कम अज़ कम उसका खुम्स मिल जाए, 1/5 हिस्सा उसका मिल जाए तो उस वक्त उसकी अदाई वाजिब होती है, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसी वक्त उसका हिसाब लगा के देती रहें ताकि बाद में ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं और बाद में ताकि किसी किस्म का ये भाव ना रहे। फिर बहन ने पूछा कि जूते ना पाक हो जाएँ तो
से कैसे पाक करें? जूते पाक करना इंतहाई आसान है, आजकल तो हर घर में ही तकरीबन नल है, टूटी है, कोई गांव में भी रहता हो तो नल के वगैरह होते हैं, तो हर जगह जारी पानी की सहूलत अब मौजूद है, गांव गोठ में भी मौजूद है। तो जारी पानी के नीचे गांव गोठ वाले का भी तरीका ये है कि अगर आपने बहते पानी के नीचे जूता जो है वो रख दिया है, पानी उस पर से गुजर गया और नापाकी जायल हो गई, रंग बू मजा ये चीजें अगर जायल हो गई हैं, जूता पाक हो गया, ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं। फिर जो है पूछा कि क्यों टीवी की पर नमाज आ रही हो, तरावी की जमात आ रही हो या नमाज आ रही हो और हम जामे मस्जिद मौजूद नहीं है, तो मर्द घर में रहकर जो है वो उस नमाज में शरीक हो सकते हैं? इस तरह मर्द शरीक नहीं हो सकते, मुंह टीवी की तरफ नहीं होगा, मुंह जो है वो किबले की तरफ होगा। और दूसरी बात यह है कि सेहत इक्तदा की यहाँ शुरूत नहीं पाई जाती, इस तरह टीवी की जमात में शरीक नहीं हो जा सकता, मस्जिद में शरीक हों, और अगर मस्जिद मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में घर के अंदर पढ़ लें, लेकिन बहरहाल वो घर में पढ़ें, टीवी के साथ शरीक नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाह से कुरान ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो ख़त्म है बिस्मिल्लाह का वो सवाब नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा, और जिसे नहीं आता वो बहरहाल कुरान सीखे, कुरान सीखना लाजिम है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा एजेड है, 95 ईयर 100 ईयर किसी की उम्र और अब सीखना जो है वो दोबारा नहीं सीखा जा सकता, ऐसी सूरत में वो अगर बिस्मिल्लाह के साथ ख़त्म कर लेते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है वो बिस्मिल्लाह का सवाब नहीं मिला, या हम उसको सख्ती करेंगे नहीं 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 बिस्मिल्लाह के साथ नहीं पढ़ना। तो अगर पढ़ लेते हैं तो बहरहाल कम अज़ कम बिस्मिल्लाह का सवाब तो मिलेगा ही सही। माँ ला युद्रा को कुल्लू ला युद्रा को कुल्लू, जिसे पूरा हासिल नहीं जा सकता तो उसे पूरा छोड़ना भी नहीं चाहिए। फिर जो है वो एक बहन ने पूछा कि हम छोटे थे तो जब भाई था हम छोटे थे तो घर वालों से पूछते थे अल्लाह कहाँ है, वो कहते थे ऊपर है, तो फिर लोगों ने समझाया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अब पता चला कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी नहीं बोलना चाहिए। देखें, पहले तो ये मसला समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जेहत से पाक है, डायरेक्शन से भी पाक है, मकान से भी पाक है, जेहत और मकान दोनों से अल्लाह पाक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो जिस्मानियत को मुस्तलजिम है, हुदूस को मुस्तलजिम है, जो भी जेहत में होगा या मकान में होगा वो जिस्म होगा और हादिस होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कदीम है, हादिस नहीं है, अजली अबदी है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से जिस्मानियात से मुनज्जा है, पाक है, तो अल्लाह के लिए समत का तय्यून नहीं कर सकते। तो कोई अगर इस माना में कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद है कि अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है तो भी ये जुमला गलत है, लेकिन कोई अगर किसी का मतलब ये है जुमले से कि अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, अल्लाह अपने कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है, अल्लाह अपनी रहमत के एतबार से हर जगह मौजूद है, तो इस जुमले की गुंजाइश है, इस पर फिर सख्त फतवा नहीं दे सकते, इसको कुफरिया करार नहीं दिया जा सकता इस एतबार से, अगर किसी का माना हो। लेकिन कोई अगर वाकईतन यही समझता है कि अल्लाह अपनी ज़ात से हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह का कोई वजूद है और वो हर जगह इस तरह जिस्म की सूरत में मौजूद है माज़ अल्लाह, तो फिर ये नजरिया दुरुस्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से जिस्मानियात से मुनज़्ज़ा है, पाक है। मुस्तफा रज़ा खान नूरी साहब की बात याद आई, तू किसी जा नहीं और हर जा है तू, यानी कि मुनज़्ज़ा मकान से मुबर्रा। फिर आगे उन्होंने आगे इसकी वजाहत अगले मिसर की भी किया है, कुदरत से इल्म और कुदरत से हर जगह है। यहाँ से जो है वो अच्छा सवाल है। आप जो ये बताइए कि सजदे में जाते वक्त अपने कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिए कोई समेटे तो क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नमाज असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लो लगाने की तरीक़ाकार है, उसमें चाहिए कि बंदा अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो, लेकिन अगर ज़्यादा मिट्टी है नीचे इतना समेट लिया कि हरकत कसीर नहीं है तो फिर तो इजाज़त है, लेकिन हरकत कसीर की इजाज़त इसके अंदर नहीं है। अच्छा, कुरान पाक हाथ उठाकर कोई मदद मांगे तो क्या हुक्म है? असल में उमूमी तौर पर ये मुक़दस अशा कुरान मजीद फुरकान हमीद या दूसरी दीनी कुतुब जो हैं वो इस काम के लिए नहीं है, ये तिलावत करने के लिए और इसे हुसूल बरकत मकसूद होता है, लेकिन अगर से इस इरादे से लेकर किसी के सामने चले गए कि उसे खौफ खुदा महसूस होगा और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से बचते हुए मुझे इंसाफ देगा, तो फिर इसमें शरण कोई अर्ज नहीं है। वहम वाले वसवसे क्यों आते हैं और क्या ये सच होते हैं? असल में जो शैतानी असरात हैं वो इंसान पर असर करते हैं और उसको वसवसे आते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बेहतरीन इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि वसवसे जब तुम्हें इन आदात में मुबतला करें तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कसरत से इस्तगफार करो और बिलखसूस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला वसवसों से निजात अता फरमाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि एक बहन ने कहा कि हर एक को खैरात देना, कोई अगर मुस्तहिक ना भी हो उसे भी खैरात देना। देखिए, जहाँ तक सदका नाफिला का ताल्लुक है तो वो किसी को भी दे सकते हैं, उसमें इतना पता करना ज़रूरी नहीं, जिसका ज़ाहरी हाल बता रहा हो कि ठीक है ये गरीब है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन सदका वाजिबा में पता करना ज़रूरी है कि ये शरीफ फ़कीर है या नहीं। और अगर आपने किसी जो खैरात वगैरह दी, यानी सदका नाफिला, तो अगर वो अहल ना भी है
तो आप पर वबाल इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ ये है कि आपने कहीं पर अदा की है और उसने आपके सामने बिल्कुल यही जाहिर किया कि वो यानी अहल है, ज़कात का अहल है, और वो हकीकत में ना हुआ तो वबाल उस पर होगा, आप पर नहीं होगा। लेकिन आपको अगर पता है कि ये ना अहल है, ये ज़कात देने का अहल नहीं और आपने दिया, तो फिर आपकी अदा नहीं होगी। जांच पड़ताल जरूरी भी है ना। जी हाँ जी हाँ। अच्छा इसके अलावा कहा कि दुरूद इब्राहिम का एक हिस्सा पड़ा दूसरा हिस्सा रह गया तो क्या हुक्म होगा? देखिए आमतौर पर ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया है तो कोई मसला नहीं है, नमाज आपकी हो जाएगी। अच्छा इसके बाद ये सवाल हुआ कि टीवी पर जो है ना वो प्रोग्राम देखना गुनाह है, तो क्या आपका प्रोग्राम देखना भी गुनाह है? सलमान भाई ये बड़ा मासूमाना सवाल है, और वो भी रोजे में। जी जी जी, देखिए आपको दावत दे रहे हैं, आपको किसने कहा कि टीवी पर हर चीज देखना आराम है? जो मनाजिर आम जिंदगी में देखना जायज़ है टीवी पर देखना भी जायज़ है, जो मनाजिर जो काम आम जिंदगी में देखना नाजायज़ है टीवी पर भी नाजायज़ है, ठीक है ना? तो इसको आप समझ लें। तो अच्छे दीनी प्रोग्राम्स देखना, हाँ ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है वहाँ की भी ज़रूरत है, तो वो भी अगर देखती हैं प्रोग्राम और मसाइल सीखती हैं तो बिल्कुल जायज़ होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद जो एक सवाल ये हुआ कि अंधेरे में नमाज पढ़ना, अंधेरे में नमाज पढ़ने से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन अगर उलमा फरमाते हैं किसी को ज़्यादा अगर इसमें लुत्फ आता है तो पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ये कि आम बंदों के लिए ये कि वो अंधेरे में ना पढ़ें। और इसके बाद जो है वो सवाल हुआ कि नाखून पर मेहंदी लगाना तो वजू का हुक्म, गुस्ल का हुक्म क्या होगा? देखें नाखून पर मेहंदी अगर आपने लगाई है तो अगर आपका उस वक्त वजू भी है गुस्ल भी है तब तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मेहंदी इस तरह है कि जिसका जिन जो है वो बिल्कुल जम जाता है और खाल तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो अब वजू में तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा क्योंकि वजू में हाथ धोना फ़र्ज नहीं है, ठीक है ना? तो हाथ धोएंगे लेकिन फ़र्ज नहीं है, लेकिन जहाँ हौसले फ़र्ज हो गया और वहाँ पर मेहंदी लगाई हुई है और जिन है तो उस सूरत में मसला होगा कि आपका हौसले फ़र्ज अदा नहीं होगा। और अगर मेहंदी आम है कि जिसमें जिन नहीं जमता तो उसमें कोई मसला नहीं है, वजू हो या गुस्ल हो, गुस्ल फ़र्ज भी हो तो वो भी अदा हो जाता है। इसके बाद ये सवाल हुआ कि ख़वातीन बाल और नाखून तराशती तो क्या करना चाहिए? उलमा इकराम ने बयान फरमाया फुकहा इकराम ने कि इसको दफन कर देना चाहिए किसी चीज़ में लपेट कर, और अगर ये ना भी कर सके तो उसको बिल्कुल एहतियात से लपेट कर किसी डस्टबिन वगैरह में डाल दें, ये बेहतर है। यानी बिल्कुल खुले नहीं होने चाहिए किसी के सामने, गैर महरम के सामने इस तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि खातून जिस तरह यानी यूँ औरत है ना तो उसके बाल और उसके नाखून भी औरत हैं, गैर महरम को नहीं देखना चाहिए। अच्छा एक सवाल ये हुआ कि इतिकाफ वाला अजान दे सकता है मेहराब में? किसी ऐसी जगह अजान देना कि जो मस्जिद से बाहर हो, मेहराब भी बाज़ औक़ात ना कुछ हिस्सा उसका मस्जिद से बाहर होता है, ठीक है ना? तो अगर किसी ऐसी जगह अजान दे रहा है मुतकिफ कि जो मस्जिद से बाहर जगह है उसके अलावा कोई भी नहीं है अजान देने वाला, फिर तो वो जा सकता है देने के लिए और अजान देकर फौरन आ जाए। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और अजान देने वाला है, किसी और की ड्यूटी है, तो फिर वो अजान देंगे, वो तकीफ नहीं जा सकता। जा तब सकता है जब उसके अलावा कोई भी ना हो, और अगर मस्जिद के अंदर कहीं जगह बनी हुई फना मस्जिद में तो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये हुआ कि इद्दत के दौरान किन से पर्दा ज़रूरी है? जिनसे इद्दत के अलावा पर्दा करना ज़रूरी है तो उनसे इद्दत में भी पर्दा करना ज़रूरी है। शोहर के जो भतीजे हैं ज़ाहिर है कि वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन मसला ये कि अब शोहर का इंतकाल हो चुका है, ठीक है ना? और तो इस सूरत में भी उनसे एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि आम जिंदगी में जिनसे पर्दा करना जायज़ है यानी ज़रूरी है तो इद्दत में भी ज़रूरी है, और आम जिंदगी में जिनसे पर्दा करना ज़रूरी नहीं, जिनको आप देख सकती हैं वो आपको देख सकते हैं, तो उनसे पर्दा करना नहीं है। अच्छा इसके अलावा किसी घर के लिए इतनी ज़मीनों के वहाँ घर बनाया है कुछ और नहीं बना सकते, अगर वो मुस्तहिक है तो उनको ज़कात दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते? 11-12 साल के बच्चे भी बालिग नहीं है, रोज़ा नहीं रखते, तो हम उनको 500-500 रुपये इनाम की लालच देते हैं, तो इस सूरत में रोज़ा रखने के लिए लालच देना ज़रूरी मतलब सही है? बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आज उनकी लालच ये, कल लालच उनकी अल्लाह की रज़ा हो जाएगी। अच्छा इसी तरह कि म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना चाहती हैं, आप निकालें, जो सूद की रकम होगी वो बगैर सवाब की नियत से किसी को आप दे दें, अपने पास नहीं रख सकती, बगैर सवाब की नियत से आप दे सकती हैं, सवाब की नियत भी नहीं होगी। अच्छा इसी तरीके से इस्तिखारा पॉजिटिव आए और बाहर मामला सही ना हो तो आप छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं, जरूरी नहीं होता। अच्छा एतिकाफ जो है ये सुन्नत मौकदा है,
सुन्नत मौकदा अल किफाया है। इसका हुक्म ये कि मोहल्ले में चंद अफराद कर ले तो सबसे साकित हो जाता है, उससे सारे ना करें तो फिर सब के सब गुनाहगार होंगे। एक सवाल ये हुआ कि रोज़ा बंद हो जाए और उठे तो फिर नियत करके रोज़ा रख सकते हैं? जवाल से पहले पहले आप नियत करके रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन रात में नियत करना अच्छी बात है। एक सवाल ये हुआ कि बेटा 10-11 साल के पढ़ता नहीं है तो उसे मार सकते हैं? मेरी बहन सख्ती करें, लेकिन ज़्यादा मारेंगी तो वो मामला और हो जाएगा। कभी सख्ती कभी नरमी, इस तरीके से कोशिश करें और सूरह कौसर पढ़ के उन पर दम करें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। इस्लाम में जो हेयर कलर है डाई वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक इसलिए नाजायज है कि ब्लैक अपनी हलकत को आप छुपा रहे हैं, इसलिए ब्राउन में तो ऐसा नहीं होता, ब्राउन को सब पता है, जी जी हाँ, लेकिन लेकिन जो है मुजाहिद के लिए ब्लैक कलर भी जायज़ है। बिल्कुल। शादी को 15 साल औलाद नहीं है, दरबुल आलम करम फरमाए। और आखिरी सवाल कि भाई की 4 बेटियों से खैरात दे सकते हैं? अगर वो आहल हैं तो खैरात दे सकते हैं, आहल नहीं है तो नहीं दे सकते। एक लफ्ज़ में मुझे एक लतीफ़ सा सवाल है, एक लफ्ज़ में जवाब दे रहे हैं। अजान की तरफ बढ़ रहा हूँ कि आपने कहा अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं, अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो ये अंधेरा कर देते हैं, इनके बारे में क्या हुक्म? अब ये तो उनकी अपनी मर्जी, अब मना करें इनको, बस मना। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अंधेरा जो है जिससे वैशा तो उसमें मना होती है, चले इसमें भी होती है, एकदम बंद हो जाती है, लाइट वैशा तो सुन ले आप लोग, इनको आती है। तमाम मुफ्ती आने ग्राम का शुक्रिया। कुछ सेगमेंट में इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे फख्र पाकिस्तान कारी वही जबर कासमी साहब, अजान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त दे रहे हैं और हम नमाज असर पढ़ के कुछ सेगमेंट में आपको वेलकम करते हैं।